नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में आईएक्स स्टॉक को डिस्कस करेंगे। और आईएक्स एकमात्र ऐसा स्टॉक है, आईएक्स इज ओनली द वन स्टॉक विच इज अफेक्टिंग अगेन एंड अगेन फॉर द सेम रीजन। जो रीजन इसके मैनिपुलेशन के सॉरी जो इस समय दिख रहा है कि पूरे बाजार में सबसे बड़ा यही शेयर है, और इस चीज को लेकर के इसके खतरे को हटा करके कि एकाधिकार जो है उसको हटने के खबर मात्र से ही स्टॉक ने मल्टीपल टाइम ब्रेक डाउन करे हैं। 5 डेज के ट्रेंड नेगेटिव, 1 मंथ के नेगेटिव, 6 मंथ के थोड़ा बहुत पॉजिटिव, लेकिन जो टेक्निकल ट्रेंड है वो इस समय वीक। आज मैं इसके इन डेप्थ एनालिसिस थोड़ा आपको समझाऊं, इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लेंगे। यहां देखें तो ये जो भाई साहब हैं इक्विटी इनसाइट इलाइट, इन्होंने काफी अच्छे से प्रेजेंट करा है कि क्या ये एक वैल्यू बाइंग हो सकता है। IEX कंटिन्यू टू शो डबल डिजिट ग्रोथ इन फरवरी 2024, जो टोटल वॉल्यूम था उसमें 15% के ग्रोथ दिखे। इट हैज कंटिन्यू डबल डिजिट मोमेंटम फॉर द लास्ट 8 क्वार्टर, और इस चीज को काफी स्ट्रांगली दिखना चाहिए। पिछले 8 क्वार्टर से जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट दिख रहा है। एट वन टाइम इट वेंट ओवर पी 100 के ऊपर के पी पे दिखा था, लेकिन इस समय 35 का पी है, विच इज अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड 65% फ्रॉम हाई। 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 20%, सेल्स ग्रोथ 16%, और स्टॉक का CAGR कितना रहा है, ये नॉमिनल रहा है, नॉमिनल। इवन ओल्ड ब्रिज इक्विटी फंड एडेड IEX इन फरवरी अपडेट, फंडामेंटल कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग विथ ROC ROE बोथ हायर, 40% के ऊपर ROE ROCE है, ये तो आपको पता ही होगा। डेट फ्री कंपनी है, 1300 करोड़ कैश है, और यहाँ देखेंगे ग्रोथ लेवल इंक्लूड IGX जो कि लिस्टिंग होने वाली है, ICX इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज एंड लॉन्च ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट इन इट्स एंसिलरी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स, ये IGX की भी लिस्टिंग होने वाली है, जिसके कारण हो सकता है कि आपको फ्री में शेयर मिले। पावर डिमांड कंटिन्यू बढ़ने वाला है, मेकिंग IEX द बिगेस्ट प्रॉक्सी टू द पावर सेक्टर विच इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग अ फेरसी रैली, और इफ GDP ग्रोथ इज हायर पावर डिमांड विल ऑटोमेटिकली बी हाई। भाई इस चीज को समझे कि बिना पावर के तो कुछ भी नहीं हो सकता है, तो इसका डिमांड तो बढ़ने वाला ही है। यहां देखेंगे कैपेसिटी एडिक्शन ट्रस्ट डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कोल सप्लाई रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। न्यू बिजनेस क्या रहा, IGX को लॉन्च करने वाला है, लिस्टिंग होने वाली है, ICX इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज, अदर अपॉर्चुनिटी एनर्जी मार्केट के अंदर खुद को एक्सप्लोर कर रही है। रिसेंट में जो लॉन्च प्रोडक्ट रहे उसके ग्रोथ, जो HPTM है एंसिलरी मार्केट लॉन्च है, HPDM है जो लाइव मार्केट होती है ट्रेडिंग, टर्म अहेड मार्केट देखेंगे, क्रॉस जो बॉर्डर रहा है उसमें भी कंपनी ने इस समय जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करा बांग्लादेश और नेपाल में, तो ये सभी न्यूज ही इस समय दिख रही है। फाइनेंशियल देखेंगे तो वो भी काफी बेहतर रहा है। इसके अलावे इस समय वॉल्यूम ओनली 54 लाख का ही ट्रेड करते दिख रहा है, टेक्निकली ट्रेंड वीक है। यहां देखेंगे अपने मेजर जो सपोर्ट है इसको तो रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन इस चीज को आपको समझना चाहिए। इसको थोड़ा डिलीट करें, हाँ इस चीज को 170 ये वाला रेजिस्टेंस है, तो मिनिमम हमको क्या क्लोजिंग चाहिए, 172 के ऊपर वीकली क्लोजिंग। एक बार अगर ये वीकली क्लोजिंग मिलता है तो 240, 360 और 500 जैसे लेवल्स भी हम ले सकते हैं। इस समय थोड़ा कौशन बरतेंगे, क्यों कौशन बरतेंगे, अगर आप ऑलरेडी बाइंग हैं तो SL इस स्टॉक में 122 के SL को लगा करके बने रहे, क्योंकि इसके गिरावट पे और भी पैनिक हो सकता है, और ऊपर साइड के लिए 170 वाले ब्रेकआउट के बाद ही एक बड़ा ट्रेंड दिख सकता है। ये पूरा जोन नो ट्रेडिंग।